सबसे पहले बिहार की तस्वीरें, जहां पर बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं और बाढ़ से बेहाल लोग इस वक्त पलायन के लिए मजबूर हैं। बाढ़ में बिहार के कई जिले इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। बिहार में उफान पर हर छोटी बड़ी नदी इस वक्त है, जिससे लोग हलाकान हैं और पलायन करने के लिए मजबूर। बाढ़ की वजह से बिहार के कई जिले इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को रहने, खाने, पीने, आने जाने हर तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और तेज बारिश के बाद बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिनका हाल कुछ ऐसा ही नजर आता है। हर छोटी बड़ी नदी इस वक्त बिहार में उफान पर है और लोगों के रहने की जगह तक पानी जा पहुंचा है। आने जाने का रास्ता बाधित हो चुका है और हर रोज लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। चारों ओर पानी ही पानी, घर, रास्ते, फसलें, सब कुछ डूब चुके हैं। बिहार के बेतिया में इन दिनों सैलाब ने अपना सितम ढाया हुआ है। आसमान से गिरी आफत ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गांव में बाढ़ से खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, लिहाजा लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। मधुबनी में कमला नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। यहाँ के लोगों को दो साल पहले 2019 में आई बाढ़ का डर सताने लगा है। नदी किनारे बसे लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। रक्सौल के सीमावर्ती इलाकों में कई दिनों से हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। गांव का ब्लॉक से संपर्क टूट गया है। सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। बगहा के हालात भी दूसरे जिलों से अलग नहीं है। यहाँ भारी बारिश ने परिवारों से उनका सब कुछ छीन लिया। कुछ दिन पहले तक खुशहाल जिंदगी जीने वाले लोग आज दाने दाने के लिए मोहताज हैं। बीमार बच्चों को चारपाई के जरिए नदी पार कराया जा रहा है। बाढ़ से लोगों की शादी पर भी फर्क पड़ा है। यहाँ एक दूल्हे को अपनी शादी के लिए अस्थाई पुल बनाना पड़ा। शहर के बेलवा में डैम निर्माण को लेकर बनाए गए सुरक्षात्मक तटबंध 15 मीटर की दूरी में टूट गया है। ऐसा बागमती नदी के पानी के तेज बहाव की वजह से हुआ। सुरक्षात्मक तटबंध टूटने से गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा है, जिससे शिवहर शहर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन ने टूटे हुए भाग को बंद करने का काम शुरू कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।